अभी अभी इन्होंने एग्ज़ाम दिया है IBPS क्लैरिकल का, और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि IBPS क्लैरिकल का जो एग्ज़ाम दिया अभी अभी हमने देखा कि महक ने दिया था, और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि कैसा रहा इनका और इन्होंने क्या क्या दिया, राइट, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, तो आइए पूछते हैं। मैम आपका नाम क्या है? अंजलि। नेम इज़ अंजलि, राइट। सो अंजलि, पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये एग्ज़ाम था जो IBPS क्लैरिकल था, राइट? यस सर। तो IBPS क्लैरिकल मतलब कैसा, आपने तैयारी की थी पहले? यस। तो आज आपका फाइनल एग्ज़ाम हो गया, ये कैसा महसूस कर रही हैं आप? रिलैक्स काफ़ी। यू आर फीलिंग रिलैक्स, तो मतलब ऐसा लगता है कि IBPS के एग्ज़ाम देने के से पहले लोग बहुत बर्डन महसूस करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, इतना बर्डन नहीं, पर फिर भी एक प्रेशर तो होता ही है। प्रेशर होता है, ओके, सो प्रेशर होता है, चलिए ठीक है। अंजलि, ये जो काफ़ी जाती है ना प्री की, कट ऑफ काफ़ी जाती है, तो मतलब लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती होगी इसके लिए। सो वेल अंजलि, ये जो एग्ज़ाम दिया आपने, इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं? इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश। रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश, सभी जानते हैं रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप मुझे बता सकती हैं कि जो आपने पढ़ा था पहला, क्या वही आया या फिर आपकी सोच से बहुत डिफरेंट आया था ये? नहीं, एग्ज़ाम ईजी टू मॉडरेट था, उसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं था, डिफ़िकल्ट लेवल का मुझे कुछ भी नहीं लगा। इंग्लिश काफ़ी ईजी लगी और रीजनिंग भी ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं हम। अच्छा, इंग्लिश जो है वो काफ़ी ईजी लगी। देखिए, आप सबके मुझसे सुन रहे हैं, ये अंजलि हैं जिन्होंने कहा कि इंग्लिश जो थी वो काफ़ी ईजी थी, रीजनिंग जो थी वो थोड़ी मॉडरेट थी। मतलब रीजनिंग में आपको मेहनत करके आनी है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी कुछ है, राइट। तो अंजलि, पहले हम इंग्लिश से चालू करेंगे। इंग्लिश में क्या क्या आया था, क्या कुछ आपको याद है? फर्स्ट एरर्स थे 5। एरर्स 5 थे, कैसे थे? मॉडरेट थे, सिंपल एरर्स मॉडरेट थे, मतलब आपने पढ़ रखे थे? हाँ वही थे, रूल बेस्ड थे। रूल बेस्ड थे, ग्रामर बेस्ड थे, ऐसा नहीं है कि हमें मीन निकालना पड़ेगा। ओके, मतलब रूल बेस्ड एरर्स थे, जो हमें रूल पढ़ने होते हैं फिर हम एरर्स कर सकते हैं। एरर्स के बाद रिप्लेसमेंट्स थे, रिप्लेसमेंट थे, काफी इजी थे, आप कर सकते थे, इजी थे, मतलब आप ही के लिए इजी थे, सबके लिए इजी थे? नहीं, मुझे लगा सबके लिए इजी थे, सबके लिए इजी थे। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब RC था। अक्सर RC से लोग घबराते हैं कि RC ऐसा आता है वैसा। थैंकफुली मेरा अच्छे से हो गया। आपका RC अच्छे से हुआ, कैसा आया था? मतलब स्टोरी बेस्ड था या इकोनॉमिकल एग्रीकल्चरल था? नहीं, स्टोरी बेस्ड नहीं था, वो था एनिमल्स के ऊपर, थोड़ा इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल, दोस्तों देखिए अंजलि ने बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पे कि ना इकोनॉमिकल था ना एग्रीकल्चरल था, ये जो था ये था इकोलॉजिकल बेस, एनिमल्स के ऊपर। मतलब हाँ, आजकल एनिमल्स के ऊपर भी दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा पैसेज था। तो इट मीन्स यू डेड। तो पैसेज की लैंग्वेज सिंपल थी? हाँ, कुछ थोड़ी सी मॉडरेट थी लैंग्वेज, पर मुझे समझ आ गया। कितने क्वेश्चन थे RC में? 7 to 8। ओके, क्या? अच्छा, एक्चुअली मैंने देखा कि अब लोगों ने सिनोनियम एंटोनिम देना बंद कर दिया है। नहीं, नहीं थे इसमें। उसमें सिनोनियम एंटोनिम थे। हाँ। कितने क्वेश्चन थे? 2 सिनोनिम्स थे, 1 एंटोनिम। अच्छा, 2 सिनोनिम्स थे, मतलब लोगों के लिए रिलैक्स से ही पढ़ के आए हैं। तो वोकैबुलरी, अच्छा वोकैबुलरी किस लेवल की थी? इजी थी, इंडिस्पेंसेबल का मीनिंग था एक, तो एक डेप्थफुल का था और एक और था, वो मुझे अभी याद नहीं है। आप काफ़ी टैलेंटेड नज़र आती हैं, मतलब इनको पेपर भू बहू याद है कि इंडिस्पेंसिबल भी आया था। वेल अगेन, सो दिस इज़ फाइन, मतलब ये सब था। अच्छा, RC के बाद और क्या था? अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट भी आए थे। अरेंजमेंट का लेवल क्या था? इजी था। लोग अक्सर अरेंजमेंट करके नहीं आते। काफ़ी डरती हूँ अरेंजमेंट। हाँ, मैंने भी सुना है अंजलि कि लोग अरेंजमेंट करके नहीं आते, मतलब ठीक था। यस सर, इजी था, मेरे से हो गए थे, मैंने सारे टिक किए। ओके, और इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स? क्लोज टेस्ट? क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स ही नहीं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा कुछ और नया जो आप कहना चाहेंगी इंग्लिश में? इंग्लिश ये थी। व्हाट अबाउट रीजनिंग? रीजनिंग में पजल्स थी, इजी टू मॉडरेट थी। इजी टू मॉडरेट थी, ठीक है। एक पजल रह गई और तो हो गई। अच्छा, आपकी एक पजल रह गई, ओह सो सैड, लेकिन फिर भी मतलब इजी टू मॉडरेट थी। पजल के अलावा और अल्फाबेटिक वो सीरीज जो होती है, अल्फाबेटिकल सीरीज भी थी? नहीं सॉरी, न्यूमेरिकल सीरीज। न्यूमेरिकल सीरीज थी, सिंपल थी। इसके अलावा कुछ और कुछ नहीं? साइलो। अच्छा, सिलॉक्स के क्वेश्चंस आए थे। तो 3 इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज, अच्छा सिलॉक्स कैसी थी? न्यू वाला वो था, न्यू वाला वर्जन था, मतलब लिंक करने लायक था। और आपने लास्ट क्या कहा मुझसे? इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस 3 थे, मतलब ठीक थे। तो रीजनिंग का ही पैटर्न था। एंड व्हाट अबाउट लास्ट, मैथमेटिक्स, जिसमें लोग अक्सर अपने आप को थोड़ा घबराया हुआ सा महसूस करते हैं? इजी टू मॉडरेट कहूंगी मैं मैथ्स को। मैथ्स भी? हाँ। पिछली बार मैंने सुना था SBI के एग्जाम्स में बहुत लेंथी मैथमेटिक्स आई थी, ऐसी नहीं थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, बस एक भी आई थी, टेबल बेस्ड, 15 सिंप्लीफिकेशन थे और 10 क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों,
तो दोस्तों एक बात तो क्लियर हुई कि IBPS ने ठान रखा है कि स्टूडेंट्स को पास करवाना है इस एग्ज़ाम में, तो पेपर जो था वो काफ़ी इजी था। यदि आप में से कोई पढ़ के आया है तो पेपर निकाल सकता है, इजी है। गवर्नमेंट जॉब की जो ढेंका ढाई लगी हुई है कि निकालना है निकालना है, तो क्लैरिकल का एग्ज़ाम ईजी था जैसा कि अंजलि ने कहा। yes. तो अंजलि मतलब ऑल ओवर कैसा रहा आपका? मेरा अच्छा था, एग्ज़ाम बढ़िया था। सो वेल अंजलि, ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर योर फ्यूचर एंड आई होप दैट द थिंग्स मस्ट बी गुड, राइट? सो वेल दिस इज़ गुड, थैंक यू अंजलि, थैंक यू। सो वेल अगेन, अंजलि से हमने बात करी और हमने देखा कि अंजलि ने जो एग्ज़ाम दिया दोस्तों वो था आपका IPS क्लरिकल, एंड शी टोल्ड अबाउट कि हाँ एग्ज़ाम सिंपल था और इजी टू मॉडरेट था, चाहे बात करें इंग्लिश की, चाहे बात करें मैथमेटिक्स की, और चाहे बात आप करें रीजनिंग की, ये तीनों एग्ज़ाम के लेवल सिंपल थे। बस ज़रूरत है तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ने की, यदि आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, राइट? अच्छा अंजलि, क्या मैं आपका ये देख सकता हूँ पेपर? ये सो वेल अगेन, दिस वन इज गाइज अंजलि इज, यू नो, एज आई हैव सीन अंजलि वशिष्ठ, यू नो, शी हैज़ गिवन द, दिस इज एडमिट कार्ड बेसिकली आई मस्ट कॉल। तो इसके थ्रू आप एग्ज़ाम में जाते हैं, यदि आपके पास ये नहीं है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो अंजलि ने कह दी कि अंजलि इसकी दो कॉपी चाहिए होती हैं, एक नहीं, एक ही कॉपी चाहिए होती है। सो वेल अगेन थैंक यू अंजलि। सो वेल, ये था एग्ज़ाम का एनालिसिस। देखते हैं यदि कुछ और भी लोग हैं तो उनके संग देखेंगे कि एनालिसिस कैसा है, लेकिन ये एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। सो वेल अगेन थैंक यू दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोगों ने पहल करी और ये आपके काम आनी चाहिए। सो वेल अगेन थैंक यू, थैंक्स।